थर्ड का फर्स्ट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस वाई। अब यार यहाँ पर समझना पड़ेगा है ना, अब यहां से जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से दिख सकता है। ठीक, अब देखो इसमें आपको अब करना क्या है ना, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पूरे टर्म से कॉमन फैक्टर ले रहे थे, बोलो करेक्ट है? अभी तक आप क्या कर रहे थे, पूरे टर्म से कॉमन फैक्टर ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम पेयर बना के कॉमन फैक्टर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, पेयर बना के कॉमन फैक्टर लेंगे। अब कैसे पेयर बनाएंगे, तो देखो यार ये दोनों में क्या एक्स कॉमन नजर आ रहा है? Yes, sir. है ना, ये दोनों में एक्स कॉमन नजर आ रहा है और ये दोनों में एट कॉमन नजर आ रहा है, करेक्ट है? Yes. आया समझ में? तो अब हम क्या करने वाले ना, पेयर बनाने वाले हैं। इसका एक पेयर बना लेते हैं और इन दो इसका एक पेयर बना लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लें। तो अगर मैं इससे एक्स कॉमन ले लूं तो बताओ जरा क्या बचेगा? देखो अगर इसमें से एक्स कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक्स बचा, प्लस एक्स वाई में से एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, वाई, तो ये क्या बचा, एक्स प्लस वाई। ये वाली जो साइन है ये एज इट इज यहां लिख दो प्लस, आ रहा है समझ में? उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, एट, तो एट को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, इसमें से एट हटाओ तो ये बचेगा एक्स, और इसमें से एट हटाओ तो ये क्या बचेगा, वाई, तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई। आया क्या समझ में, सबको क्लियर है? अब देखो यहां पर एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है अब आपको, तो हम x प्लस वाई पूरे में से कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या जाएगा, बचेगा ये x प्लस एट, तो यहां लिख देंगे x प्लस एट। आया समझ में? तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। देखो पहले देखो ये दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नजर आ रहा है x, तो इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अच्छा सिर्फ x कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा क्या, 3 भी कॉमन है, तुम लोग क्या अंधे हो गए हो क्या, 15 और 6 दोनों 3 के टेबल से नहीं जाते क्या, और तो फिर सेकंड क्वेश्चन में यही तो सिखाया ना, 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, तो इसमें तो 3 भी कॉमन हुआ ना कदों। ये देखो ऐसा एक चीज बताओ यार, ये 15 को 3 5 15 लिख सकते हैं, yes, sir. और ये 6 को 3 2 6 लिख सकते हैं, बोलो करेक्ट है? इसमें क्या कॉमन ले, अच्छा देखो मैं ये बताया आपको, 6 को 3 2 6 लिख सकता हूँ इंटू एक्स लिख सकता हूँ, बोलो करेक्ट है कि नहीं यार? ठीक, अब मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है और साथ ही साथ में ये x भी कॉमन है, अब दिखा 3 और x कॉमन, ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया था सेकंड क्वेश्चन में कि भाई डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए कि कैसे डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, नहीं आ रहा है तो सीखो भाई उसको। नाउ आगे का टर्म बताओ, प्लस 5y - 2, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5y और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले इसमें 3x कॉमन है तो आप इसमें 3x कॉमन ले लो, तो बताओ यहाँ क्या बच जाएगा, 5y - यहाँ क्या बच जाएगा, 2, तो 5y - 2 जो है ये कॉमन आ गया, बोलो करेक्ट है? Yes. है ना, और उसके बाद तुम मुझे बताओ क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है? Yes. नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं बेटा, 1, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब हम उसमें क्या कॉमन ले लेंगे, हम उसमें 1 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में अगर आप प्लस 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 5y - 2, आ रहा है समझ में? ठीक, अब मुझे ये बताओ क्या 5y - 2 और 5y - 2 को मैं कॉमन ले लूं, yes, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 5y - 2
इनटू 3x प्लस 1, आया समझ में? सो दैट मस्ट बी योर आंसर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, बढ़िया। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, करेक्ट है? यस। नाउ अब यार इसमें मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए था। यस सर, बन गया। बन गया ना? ठीक है, गुड। यस। अब देखो इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो इन दोनों से x को कॉमन ले लें। यस सर। तो इसमें अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी, बोलो, करेक्ट है? Yes. अब यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन एज इट इज नीचे आएगी, जैसे उधर प्लस था तो प्लस आया था, माइनस है तो माइनस साइन एज इट इज नीचे आ जाएगी। अब मुझे तुम बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? y, तो माइनस y कॉमन आ जाएगा, बोलो, करेक्ट है? Yes. और अगर इधर, अगर इधर, नहीं बेटा हड़बड़ मत करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर इधर माइनस साइन है, अगर इधर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन, ये दोनों साइन से मल्टीप्लाई होती है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर यहां पर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन, ये दोनों साइन से मल्टीप्लाई होती है। अब तुम बताओ दोनों में से y कॉमन ले लिए हो, तो बताओ माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा a प्लस a, आया समझ में? प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस a लिख दिया मैंने। अगेन बताओ ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? b, है ना, y कॉमन हो गया, तो ये आ गया, आया समझ में? कोई डाउट? अगर आपको याद रखने में तकलीफ है तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर यहां पर नेगेटिव साइन आया, यहां अगर आपका नेगेटिव साइन आता है, तो इनकी साइन आप चेंज कर देना, माइनस विल बिकम प्लस और माइनस विल बिकम प्लस, प्लस रहता तो क्या बन जाता? माइनस। आया कि नहीं आया समझ में? आप ऐसा भी समझ सकते हो, क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पर a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन है, तो क्या बच गया? x माइनस वाई बच गया। अरे भाई आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। यार ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, अगर आप ये क्वेश्चन जबरदस्ती करना चाह रहे होगे इन दोनों को कॉमन लेके, तो नहीं बनेगा आपसे, चेंज करना है बेटा। तो पहले ना हम क्या करेंगे, 15 PQ और 9 Q को साथ में लिख देते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 PQ प्लस 9 Q, बोलो, करेक्ट है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 और 25 P को साथ में लिख देते हैं, तो इसमें लिख देता हूं प्लस 15 प्लस 25 P, बोलो, करेक्ट है? yes. यहां ऐसा लिख देता हूं प्लस 15 प्लस 25 P, यहां तक कोई डाउट? नाउ अब आपको क्या करना है, अब आप कॉमन लेके देखो, अब अगर आप इन दोनों से कॉमन लेते हो बेटा, तो इन दोनों से कॉमन क्या है? पहले ना हड़बड़ मत किया करो बोलने के लिए आदित्य, आप ये देखो 15 और 9 क्या दोनों ही 3 के टेबल से जाते हैं? yes, टेबल ही याद नहीं रहेगा तो यार 8th क्लास में तो फिर मर जाओगे तुम लोग, नो बोलता है वो। yes. 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है गधू, एक बार yes, में तो 3 कॉमन जाएगा, और PQ और Q में क्या कॉमन जाएगा? Q कॉमन जाएगा, यानी 3Q कॉमन हो गया। अब डायरेक्ट करेंगे ना, हर बार ब्रेक थोड़ी ना करेंगे यार बच्चों टाइप, डायरेक्ट करना सीखो। 15 और 9 में 3 कॉमन है और PQ और Q में Q कॉमन है, बोलो, करेक्ट है? अब बताओ 3 कितने जा 15? 5 जा, तो यहां 5 लिख दूं। अरे यार डिवाइड करना, 3 कितने जा 15, 3 5 जा, तो यहां 5 लिख दे, और फिर PQ में से Q गया, क्या बचा? पी। सोच रहा था 3 3 जा, तो 9 को 3 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ, और अगर Q कॉमन ले लिए तो Q यहां से हट जाएगा, बोलो, करेक्ट है? ठीक है, ये आया समझ में? नाउ 15 प्लस 25 इसमें कॉमन, लो बताओ इसमें क्या कॉमन है, शुभम बताएगा, बता। हाँ वेरी गुड, क्योंकि दोनों 5 के टेबल से जाता है, तो यहाँ पर एज इट इज प्लस साइन लिख लो, दोनों में 5 कॉमन है,
तो बताओ ये कितना आएगा, 5 कितने था 15, सोचता है वो मन में क्या, 5 कितने था 25, उसको एक बार खुद से 5 5 25 आया समझ में। नाउ अब तुम ये देखो कि क्या ये और ये सेम चीज है। देखो 5p + 3 3 + 5p एक ही बात है, दोनों सेम चीज है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5p + 3 और ये क्या बच गया 3q + 5। आया समझ में, क्लियर हुआ? लास्ट वाला बना करना पड़ेगा, अगर रीअरेंजमेंट नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा आपका। अच्छा कैसे रीअरेंजमेंट करें, एक काम करें, देखो ये 7 7 वालों को एक साथ ला देते हैं और इसको एक साथ ला देते हैं, देखो ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, रख सकते हैं अपन। तो अगर मेरे को ये दोनों को साथ में रखना है तो कैसे रखूंगा, ऐसे रखूंगा z - xyz, बोलो करेक्ट है? और ये दोनों को साथ में रखना है तो उसको ऐसे रखेंगे -7 + 7xy, बोलो क्लियर है? नाउ अब जरा कॉमन लो, दोनों में से अगर आप कॉमन देखोगे तो दोनों में z कॉमन है, तो z कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - xy, बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई ऑनलाइन में, है ना, दोनों में z कॉमन ले लिए तो ये हो गया बेटा 1 - xy। अगेन ये माइनस साइन एज इट इज नीचे आएगी, तो अब बताओ इनमें क्या कॉमन हो जाएगा, इनमें 7 कॉमन हो जाएगा। और अगर इनमें 7 कॉमन ले लिए हमने तो ध्यान देना यहाँ माइनस साइन है, है ना, माइनस साइन में मैंने क्या बोला, ये दोनों साइन बदलेंगी, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अच्छा 7 में से 7 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1, कुछ भी नहीं का मतलब 1, ठीक। अगेन बताओ ये प्लस विल बिकम माइनस, है ना, माइनस साइन है तो प्लस विल बिकम माइनस, और 7 कॉमन है तो क्या बचा एक्स वाई। ध्यान से देखो क्या ये दोनों सेम आ गया, तो 1 - xy कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा z - 7, दैट मस्ट बी द आंसर। आया समझ में, ठीक है? तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है? नाउ मैं आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूँ आप लोग को बेटा, ये चार आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा, चारों आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है? 4 आइडेंटिटी है, ये चारों आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो लिख लेना फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, हेडिंग डालो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है डाल लिया हेडिंग। नाउ अब देखो ये 3 आइडेंटिटी है, एक ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला है a + b² मैं इसको जूम करता हूं थोड़ा सा, ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है ये वाली, है ना, दैट इज a + b² क्या होता है a² + 2ab + b². सेकेंड आइडेंटिटी है आपका a - b² विच इज a² - 2ab + b² और थर्ड आइडेंटिटी है आपका a + b * a - b दैट इज इक्वल टू a² - b². ये तीनों आइडेंटिटी कल बाय हार्ट याद होके आनी चाहिए आपको क्लास के अंदर, ठीक है ना? यस सर इसको लिख लो, कल पहले मैं आइडेंटिटी पूछूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे।